अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद, एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2021 के 12th लेक्चर में मैं आप सबको खुश आमदीद बोलता हूँ। 12वें लेक्चर में मैं आप सबको खुश आमदीद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और वीडियो पर कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि मुझे मालूम हो कि भाई मेरे स्टूडेंट वीडियोज देख रहे हैं, ताकि मेरा बनाने का भी दिल करें। तो चले हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर हम अपना ओपन कर देते हैं, पावर पॉइंट। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमने शेप लिया था, शेप के अंदर हमने एडिट शेप पढ़ लिया था, चेंज शेप पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने हाँ बस ये दो ही ऑप्शन पढ़े थे। और मैंने बताया था कि शिफ्ट के जरिए शेप कैसे लेते हैं, उसे शेप कैसे आता है शिफ्ट के जरिए, ठीक है। तो हमने टेम्पलेट थीम वगैरह सब कुछ ले लिया है। हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, हम इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं, इसे कॉल करके इससे हम इंसर्ट में चले जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया शेप। अब इसमें क्या है शेप स्टाइल? शेप स्टाइल में क्या है, इसमें आपने कलर से जो आपको कलर अच्छा लगे, अगर कलर नहीं रखना तो इसके अंदर कोई कलर नहीं, ठीक है। ये कलर रखना है तो कलर, ठीक है, मुझे ये कलर अच्छा लगा, मैंने ये कलर बनाया। इसके अंदर होते हैं कलर्स, यहाँ से आपको कलर अच्छे नहीं लग रहे तो ये अगर है आप यहाँ है शेप में, इधर है कलर आपके पास बहुत सारे, नो फिल कलर नहीं, और फिल कलर्स इसके अंदर ये वाले कलर्स चाहिए। ये मैं पे क्लास में पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आई ड्रॉपर भी मैं पढ़ा चुका हूँ। पिक्चर शेप के अंदर हम एक तस्वीर भी एड कर सकते हैं, फिर हमें फाइल हमें फाइल में से तस्वीर एड करनी है शेप के अंदर, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, ये तस्वीर मैंने इसके अंदर एड हो, ठीक है, ये देखें, ये इसके अंदर एड हो चुकी है। आई ड्रॉपर का काम क्या होता है, जिस कलर का आपको नहीं पता कि भाई इस कलर का नाम क्या है, तो आप इसको पिक करके उसके अंदर शेप के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर पिक कर सकते हैं। अब जैसे ये कलर है या फिर ये कलर है, इस पर क्लिक किया हमने तस्वीर का नाम हो गई, उसके अंदर वो कलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में हमारे पास दो तीन कलर होते हैं, जैसे मैं ये कलर ले लेता हूँ, अब इसका ही जैसे मैं ग्रेडियंट में जाता हूँ तो ऑटोमेटिक ये कलर भी ग्रेडियंट में आ जाता है। पास ग्रेडियंट में आप देख सकते हैं, ग्रेडियंट में आपका जो शेप होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। जैसे मैं इसको ये कर देता हूँ, देखने में थोड़ा शेप जो है मेरा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ग्रेडियंट ये काफ़ी डीपली चले जाते हैं हम ग्रेडियंट में। अब हमारे पास दो कलर हैं, अगर आपको तीन करने हैं इस पर क्लिक करें और इधर से बीच में से इसका कलर चेंज कर दें, ये तीन होगा। चार करने इस पिलर्स पर क्लिक करें, ये चौथा नोडेट हो जाएगा, इधर से आप इसका कलर चेंज कर दें, चार कर, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोग पढ़ा चुका हूँ एमएस वर्ड के, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं आप। टेक्सचर कुछ बने बनाए होते हैं इसके अंदर, जैसे हमारे पास टेम्पलेट होती है तो शेप के कलर होते हैं इसके। अब मेरे पास तस्वीर थी तो मैं तस्वीर को क्या कर रहा था, इधर से इसकी हाइट इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, इधर से वीड थे इसकी इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। और जब मैं पिक्चर को शिफ्ट अप एरो से कर रहा था तो उसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही थी और वीड भी उसकी इंक्रीज हो रही थी। अब इस पर क्या है, इस पर अगर मैं अप एरो को करूँगा तो हाइट इंक्रीज होगी, और डाउन एरो को करूँगा शिफ्ट प्रेस करके तो हाइट इंक्रीज होगी, लेफ्ट एरो को करूँगा विड्थ पे असर आएगा, राइट एरो करूँगा उटलाइन खत्म। और कलर्स भी वही है, आई ड्रॉपर भी वही है, वेट के अंदर इसको थोड़ा मोटा करना आउटलाइन में, स्केच स्क्रीन थोड़ा स्टाइलिश बनाना आउटलाइन, डैशेस डैशेस के अंदर आउटलाइन को कन्वर्ट करना, ये देखिए हमारे डैशेस में हो चुकी है, ठीक है। शेप इफेक्ट, प्रेजेंट शेडो में लाना है, रिफ्लेक्शन किलो, उसके बाद सॉफ्ट एज, पेवल पेवल, 3D, ये सारे जितने भी ऑप्शन है ये सारे मैं आप लोगों को मैं साफ इसमें पढ़ा
आ चुका हूँ और हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट का एक ऑप्शन है डे बाई डे, तो मैं उसमें भी आप लोग पढ़ा चुका हूँ। यदि ऊपर ओपिनियन क्यों ओपिनियन, क्योंकि इस शेप के अंदर मैंने तस्वीर क्रिएट की थी, इस वजह से वो बन गया, टेप बन चुका है पिक्चर फॉर्मेट। उसके बाद हमारे पास है, ये था हमारे पास शेप स्टाइल। अब ये हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट का कि मतलब क्या कि अब देखें मुझे इस एरो के अंदर लिखना है, तो मैंने एक दफा सिंगल क्लिक किया, ये जो ऑप्शन है ना ये हमारे पास लिखाई के ऊपर इस्तेमाल होता है। मैं इसके बीच में डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा कर्सर आ गया इसके अंदर। अगर नहीं आता तो सिंगल क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, तो इधर हमारे पास ऑप्शन एडिट टेक्स्ट या पे, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, ये हमारे पास वर्ड आर्ट मेरा पूरा ये टेक्स्ट पे इस्तेमाल हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसे टेक्स्ट पे इस्तेमाल हो गया। मैं इसके फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ से आके फॉन्ट इसके इंक्रीज कर साइज फॉन्ट साइज, ठीक है। उसके बाद शेप टेक्स्ट फिल, अगर आपको इसमें से कलर अच्छा लगा है सही है नहीं तो आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। ये देखें फिल हो चुके हैं, वही ऑप्शन है मोड फिल कलर आई ड्रॉपर भी वही है, आइटल वाइट ड्रॉपर इस्तेमाल मेरे इस कलर के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तीनों कलर के, ठीक है। पिक्चर भी वही है, हम टेक्स्ट के अंदर तस्वीर एड कर सकते हैं, ग्रेडियंट पे भी वही है, दो तीन कलर आएंगे, टेक्सचर में भी वही है, बनाएंगे कलर्स आएंगे टेम्पलेट्स, आउटलाइन बाहर लिखाई वो कलर्स भी वही है, आई ड्रॉपर भी वही है, वेट भी वही है, डिशेज भी वही है, ठीक है। टेक्स इफेक्ट वही है, शेडो में रखना है, रिफ्लेक्शन ग्लो करना है, ये देखें कि लोग किस बैरल 3D करना है, ये हमारे पास 3D हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्म ये हमारे पास नहीं, आपने देखा होगा जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट होता है उस बेसिक टेक्स बन जाती है, तो ये देखिए अब हमारे पास कैसा बन चुका है ये, ठीक है। कंट्रोल सी डिलीट कर देते हैं टेक्स। उसके बाद अल्ट टेक्स, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए। उसके बाद हमारे पास है बैक फॉरवर्ड, ये बैक मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, दो शेप पे ये काम करता है, कंट्रोल सी करना होता है। मैं इसको कलर में इसका कलर कर देता हूँ चेंज, ठीक है। मैं बिजली का कलर कर देता हूँ ब्लैक। अभी हमारे पास दो शेप है, मैं चाहता हूँ कि अगली वाली मेरे पास आ गया जाए, मैं चाहता हूँ पिछले पीछे चले जाए, पीछे चले जाए। अब इसके अंदर है बैक फॉरवर्ड, हमने देख लिया ब्रिंग टू फ्रंट, ये क्या है इसका मतलब, ये है तो मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इस पे आके मैं करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे आ गया, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप पीछे 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 पीछे। अगर मैं चाहता हूँ स्पीड से नंबर 10 से नंबर 1 पे आ जाए तो क्या करना होगा, ब्रिंग फ्रंट या भी नंबर 2 से नंबर 1 पे, नंबर 1 से नंबर 10 पे जाना है इससे टू ब्रिंग फॉरवर्ड सबसे पीछे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। सिलेक्शन पेन, जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हुई है, हाइड ऑल करना है, हाइड करना है इसके आइकन को, किसी भी तस्वीर को तो आप इधर से हाइड ऑल हाइड कर सकते हैं, शो ऑल करना है तो शो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर ऑप्शन जो है अलाइनमेंट का, जैसे टेक्स्ट का होता है हमारे पास शेप का होता है, पिचेस का होता है, ग्रुप है दो तस्वीर को ग्रुप करना, कंट्रोल थ्री से, ये मेरे पास दो है। अब देखें मैं एक तस्वीर इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक ही आ गई, मैं चाहता हूँ ये दोनों आए, मैं क्या करूँगा कंट्रोल ए करूँगा तो वो सिलेक्ट हो चुकी है और मैं इसको ग्रुप कर दूँगा, ये मैंने ग्रुप कर दिया, अभी हमारे पास ये नेम बन चुका है कंबाइन कर, ठीक है। अनग्रुप ग्रुप कर दिया, जैसे वही बन गई। रोटेट 90% रोटेट करना है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 90% रोटेट है। अगर आप थोड़ा सा रोटेट करना है तो इस वाले बटन से इस बटन पर थोड़ा सा रोटेट तो हमने शेप में हमने शेप लिया था जिसके वजह से हमारे पास जो हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास आइकन, ये भी इंटरनेट से चलता है, छोटे मोटे आइकन आपको एड करना, 3D मॉडल्स ये भी हमारे पास
अगर हमारे डिवाइस में है तो आप एंटर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3D प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्टॉक मॉडल्स इंटरनेट से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट चार्ट, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में जो काफ़ी डीपली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे मालूम हो कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।